अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां व्यापार मंडल चुनाव में नए चेहरे को पसंद किया व्यापारियों ने। जी हां, खबर है उत्तराखंड के जिला उद्यम सिंह नगर गदरपुर से है, जहां प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के 9 वर्ष बाद हुए 3 पदों के लिए त्रैवार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दीपक बेहड़, महामंत्री संदीप चौला, कोषाध्यक्ष राहुल अनेजा चुने गए। मंगलवार को अनाज मंडी स्थित राज रानी कन्या इंटर कॉलेज में उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। मतदान के दौरान चुनाव संचालन समिति द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई, जिसकी मतदाताओं द्वारा भी काफी प्रशंसा की गई। मतदान के दौरान तहसीलदार राजीव कुमार वर्मा एवं थाना अध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई। वहीं विजय प्रत्याशियों ने अपनी जीत का श्रेय व्यापारियों को देते हुए कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत में नहीं होने दिया जाएगा। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको नमस्कार करता हूं। उसके बाद मैं जितने भी व्यापारी हमारे मतदाता जो थे उन सबका आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और उनके लिए मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। आगे योजनाएँ जो आप पूछ रहे हैं, यहाँ पर हमारे शहर में बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे टाइलें जो लगी हुई हैं वो रोड से बहुत नीची हैं, जो एक्सीडेंटल जोन बने हुए, खासतौर पर बाइक वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दुकानदार भी जो है वो भी परेशान रहता है इससे, क्योंकि ग्राहक जो है वो अपनी बाइक कहाँ खड़ी करे, क्योंकि एक्सीडेंट का उनको डर रहता है। सबसे पहला काम हम प्रयास ये करेंगे कि उसको समतल किया जाए। दूसरा, बाईपास, जो हमारा सबसे मुख्य समस्या हमारे शहर की बाईपास, क्योंकि आसपास में सब जगह बाईपास बन चुका है एक गदरपुर को छोड़कर, तो उसके लिए हमसे जो भी कोशिश हो पाएगी, हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर हमें भले दिल्ली तक जाना पड़े, मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ बाईपास के लिए। मैं गदरपुर के समस्त सम्मानित व्यापारियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं उनके लिए हमेशा तन मन धन से तैयार रहूँगा और उनके हितों के लिए हमेशा अग्रसर रहूँगा। अपने बड़े, अपने परिवार, अपने सहपाठियों को सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा और भरोसा भी दिलाना चाहूँगा व्यापारियों को, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए है मैं उसका पूरा अच्छे तरीके से निर्वहन करूँगा। मेरी तरफ से उन्हें 24 घंटे सातों दिन जहाँ पे मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उनके साथ रहूँगा और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जाम की व्यवस्था जो गदर में सबसे ज़्यादा है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा अपने प्रशासन के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ। उसके बाद जैसे जैसे मैंने जो भी कहा है मैं पूरा प्रयास करूँगा और आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि ये सब